OK. in our um, shastras and in our um, dharma and religion, uh, there is a lot about shrad, pitru. but hmm? us youngsters don't know anything about it. Once our ancestors, they are gone. but what can we do? practical, simple, subtle steps. For, to um, help our deceased ones move forward into the next life peacefully is there anything that we should do daily yearly monthly what can we do hmm. for youngsters to me hindi bolte sort of. hain <laughs> <laughs> unka that ye hai ki hamara jo pitri hai na ha kuch to samajh gaya main young generation do daily jaise roz ya monthly ya यर्ली uh, साल में एक बार क्या प्रैक्टिकली करना चाहिए ताकि हमारे पितृ जो है उनको शांति हो हम पर सुख बरसाए हाँ बहुत अच्छा प्यारा प्रश्न उठाया okay. इसका उत्तर ये है कि देखो हमारे यहाँ पहले त्रिकाल संध्या का नियम था तीन समय में संध्या वंदन जिसको हम कहते हैं ना संध्या वंदन तो सुबह सूर्योदय के समय दोपहर मध्य में मिडिल में और सायम सूर्यास्त के समय तीन समय पहले के लोग संध्या करते थे और उसमें तर्पण और मार्जन ये दोनों ही होता था गायत्री मंत्र हम जपते थे और हर संध्या के समय यानी हर पूजा के समय तर्पण भी होता था तो तर्पण अपने पितरों के नाम से भी हम करते थे जो भी हम पूजा करते थे उसमें अपने पितरों को भी हम शामिल करते थे तो धीरे धीरे वो संध्या बंदन तो बंद हो गया एक बार हम पूजा करने लग गए कई बार वो भी नहीं करते हैं हम लोग बहुत व्यस्त होते हैं तो यदि रोज वैसे तो नियम है कि रोज हम एक बार अपने पितरों को तर्पण करें पूजा के बाद नहीं रोज कर पाते हैं तो महीने में एक दिन करें अमावस्या को जो अलग अलग तिथियां होती हैं बताई गई हैं और यदि हम महीने में भी नहीं कर पाते हैं तो वर्ष में एक बार श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के नाम से हमको तर्पण जरूर करना चाहिए जो बड़ा बेटा हो वैसे तो उसको करना चाहिए बड़ा बेटा न हो तो छोटा जो है उसको करना चाहिए और न बड़ा हो न छोटा हो एक ही हो तो फिर वही बड़ा है और वही छोटा है तो उसे ही करना चाहिए और कदाच बेटा नहीं है तब ऐसे अवसर पर बेटियां भी कर सकती हैं वर्ष में एक बार तो करना ही चाहिए ज़्यादा कुछ ना हो तो जल में तिल डालकर कुशाह हाथ में लेकर के अपने पितरों के नाम से जल अर्पित कर दे पित्र उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आईकॉन को दबाना न भूलें